Hi guys, good morning and welcome to our Airbnb and in LA. And Monisha and me, my saath hai is video mein. And she literally made breakfast for all of us right now. So we are eating some Maggie and we have some scrambled eggs and fruits over here, and this is such a nice wholesome breakfast. मुझे बहुत मजा आ रहा है already. और हम लोग अभी रह रहे हैं Marina Del Rey area में. And this area is very close to a lot of good places. So आज Monisha work from home पे, because it's a Monday. तो हम लोग Saturday Sunday तो Death Valley होके आ गए. And by the time we came back, literally we were so tired. We were dead. We couldn't do anything. हम लोग कल रात को पहुँचे यहाँ पे around 8 बजे because of traffic. और उसके बाद नम्रता सो गई, मैं सो गई, हम सब सो गए. लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अभी आज का दिन है हमारे पास लास्ट डे इन LA. सो आई एंड नम्रता गोइंग आउट. मॉरिश आज वर्क फ्रॉम होम पे, सो शी इज गोइंग टू स्टे, बट तू भी जॉइन कर. वी विल जॉइन इन द इवनिंग जॉइन अस. सो आज बहुत दिनों के बाद आई एम एक्चुअली गोइंग फॉर अ प्रॉपर बीच डे टू द बीच. And me and Namrata are headed to Venice Beach right now. We are using something called as Free Ride, which is a free ride service in Marina Del Rey area. In fact, sirf Marina Del Rey nahi, Venice, Marina Del Rey, Mar Vista and Santa Monica area mein. So this is the map that I'm carrying, and all you have to do is send them a text. Yahan pe ek number mentioned hai. उसको उस पर उन्हें एक टेक्स्ट भेजना होता है कि तुम्हारी पिकअप लोकेशन क्या है, तुम्हारी ड्रॉप लोकेशन क्या है, एंड हाउ मेनी पैसेंजर्स आर ट्रैवलिंग, एंड दे विल लिटरली कम टू पिक यू अप फॉर फ्री. सो वी डोंट हैव टू ड्राइव डाउन, वी डोंट हैव टू टेक एन उबर, एंड वी आर प्रीटी मच राइडिंग फॉर फ्री. एंड मुझे अभी भी उनका एक टेक्स्ट आया विच सेज दैट ETA इज 10 मिनट्स, लेट्स गो. I mean, we are visiting, so we don't know where we're exactly heading. All right. We just want to get to Venice Beach. Yes, I will drop you at the entrance so you can walk. Okay. And enjoy. Awesome. Thank you. Honey, it's way past time. How explicit do I have to be? Okay, so हम लोग पहुंच चुके हैं वेनिस बीच, and it's already so happening. And what we have over here is actually a skate park. I'll show you mine. I'll show you mine. Oh, I'm standing right here holding up a sign. Fortunately, I'm beat the fuck out of my Is it warm? Warm? It's warm. Ah! The beach has been so divine. You're so. Can't you see it's way past time? मुझे तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा. आज हमारा प्लान था कि हम लोग LA में और जगह घूमेंगे, but looks like this is gonna be it. तुम अगर ऐसे पानी के ऊपर चले जाओ ना, जम जम करके ऐसे सब पैर नीचे नीचे ट्रिप करो. ओके, तो सही रहता है. अरे बड़ी बीमारी. बहुत सारा सॉल्ट टेस्ट कर लिया बीच का, क्योंकि हमने बहुत देर तक स्विमिंग की है, इट्स रियली फन. पर अब लग रही है बहुत भूख, तो हम लोग वेनिस बीच के बोट वॉक पे भी चल रहे हैं. यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें खरीदने को और अच्छी अच्छी चीज़ें काफ़ी, लेकिन ये देखो काफ़ी ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदने को. ये क्या मिनी एच स्केट बोर्ड भी है.
तो वैसे इन सब चीज़ों में तो हमें इतना इंटरेस्ट नहीं है बिकॉज वी आर रियली हंग्री राइट नाउ, सो वी जस्ट लुकिंग फॉर सम प्लेस देयर वी कैन ईट. बट इवन वॉकिंग ऑन दिस साइडवॉक इज सॉर्ट ऑफ इंटरेस्टिंग, लाइक लुक एट दिस. Thank you. Thank you. Thank you for coming right out. Okay, that's for you. Yum. Yum. I'm gonna taste these. So we are eating junk food. Bahut sara. We are eating some nachos. We are eating a pizza, and we are also eating a chocolate cone. मेरे को आइसक्रीम ऐसे पसंद नहीं है, सॉरी डोंट हेट मी फॉर सेइंग दैट, इसलिए नम्रता को खिला रही हूँ मैं आइसक्रीम, प्लस मेरा गला बहुत ख़राब है. तो हम लोग वेनिस बीच का पूरा जितना भी एरिया था नाप चुके हैं, एंड अब हम लोग करने जा रहे हैं थोड़ी सी साइकिक रीडिंग जस्ट फॉर फन. वैसे न मैं और न नम्रता विश्वास करते हैं इन सब चीज़ों पर, बट हम दोनों अपनी अपनी पाम रीडिंग कराने वाले जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट, बिकॉज यहाँ पे साइकिक रीडिंग काफ़ी ज़्यादा है. हाँ काफ़ी ज़्यादा है एक्चुअली वेनिस बीच पे, एंड पाम रीडिंग के लिए $10 लगने वाला है पर पर्सन. तो हमने टैरो रीडिंग करा ली, टैरो रीडिंग मैंने कराई, इसने पाम रीडिंग कराई और इसने मैंने भी पाम रीडिंग कराई, बट आई फील लाइक काफी सही बोला था उसने. मेरे पाम रीडिंग में उसने ऐसा बताया कि तेरे हाथ में बहुत सारे वरी लाइंस है. आई वाज लाइक ओह शिट. हाँ, और ताला के इसमें टैरो में लिखा था, लाइक टैरो कार्ड में बताया था दैट शी विल ट्रैवल द होल वर्ल्ड, एंड आई वाज लाइक मन में मैं बोल रही थी कि तान्या है ऑब्वियसली. अगर आप भी वेनिस बीच पे हो तो करा लेना, इट्स प्रीटी फन. लगा नहीं था मुझे कि वो इतना कुछ बोल जाएगी, बट काफी कुछ बोल गई. Approximately 28 seconds until showtime. Let's warm it up. Now watch him, y'all. The level of the show is gonna go extra high. Get your shoulder. Get your shoulder. Let's go. Calypso Tumblers, yo, follow us on Instagram at Calypso_Tumblers, and also subscribe to the YouTube channel right there. As I Live It, subscribe. You'll see us on there. You'll see other stuff. So, आज हमने अपना सारा समय सिर्फ Venice Beach पे निकाल दिया. First, we went to the beach in the morning. Technically, in the afternoon, because that's the only time you can go into the water. Otherwise, it's too cold. यहाँ पता नहीं हवा इतनी क्यों चलती है, ठंडी हवा क्यों चलती है, जब सन होता है तभी गर्मी लगती है, अदरवाइज इट्स प्रीटी कोल्ड. टाइम यू कैन एक्चुअली सर्वाइव इन द बीच. इन द बीच या सो आफ्टर में हम लोग बीच गए, उसके बाद हम लोग पूरा टाइम वेनिस में ही घूम रहे थे बोट वॉक पे. वी आल्सो एट लंच हियर एंड द स्ट्रीट परफॉर्मेंस इज सो मच फन. या वी सॉ स्ट्रीट परफॉर्मेंस बाय दिस ग्रुप. और पता है मेरे को एक चीज क्या सबसे अच्छी लगी, यहाँ पे कितना ओपनली लाइक ऐसे जोक्स बनाते हैं लोग, लाइक नोबडी टेक्स ऑफेंस. ही वाज एक्चुअली कॉलिंग white guys, and he's calling Asian guys, and making fun of the government, making fun of people, in a nice way. Yeah, like, in like an uplifting way. In an uplifting way, yeah. Way, but people did not take offense at all. Okay, hum log apne B&B wapas aa chuke hain, and Monisha is also with us now, and the three of us are headed to the pool. Aaj ka din matlab pura hi relaxation day ho gaya hamara. And yahan pe pool hai, peeche agar aap dekh pa rahe hain, to nahi dekh pa rahe hain, to hum log wahan pahunchne wale hain. But in any case, we are going to the pool, and also we are going to be sitting in the jacuzzi. This is fun. Definitely. Yeah, leave something for next time. After a long day of beach cutting and then long weekend of Death Valley and all, this is like the perfect way to end your trip. Yeah. To that, to LA. कहाँ जा रहे हैं हम लोग?
Okay, so we are going to Rodeo Drive right now. And Rodeo Drive is a very popular destination in destination in California, in Los Angeles. जहाँ पे सारे अमीर लोग आते हैं शॉपिंग करने के लिए वहाँ पे हम लोग कुछ नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, कुछ भी नहीं अफोर्ड कर पाएंगे. बस हम लोग विंडो शॉपिंग और देखने के लिए जा रहे हैं. Rodeo Drive right now, and Rodeo Drive is a very popular destination for rich people of LA to come and shop at. इतने कम रिच लोग हैं कि कोई है ही नहीं. नहीं, LA में वैसे वाकई में बहुत रिच लोग हैं. मूवी स्टार्स यही रहते हैं, हॉलीवुड पूरा यही बेस्ड है, तो ऑब्वियसली रिच लोग तो हैं. बहुत सारे यूट्यूबर्स भी यही पे बेस्ड हैं. बाहर भी देखेंगे. Rodeo Drive is one place जहाँ पे आप लोग आई थिंक विंडो शॉपिंग के लिए तो आ ही सकते हो. इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस अदरवाइज, एंड यहाँ की स्ट्रीट्स वगैरह बहुत ही ज्यादा अच्छी है. हम लोग भी यहाँ पे थोड़े से फैशनेबल बन के आए हैं, बिकॉज हम लोग रोडियो ड्राइव में हैं, सो वी हैव टू बी लाइक अ लिटिल बिट वी बिट फैशनेबल. बट माय हेयर इज लाइक रियली बैड टुडे बिकॉज ऑफ द बीच, बट एनीवे. डिजाइनर्स के ब्रांड होते हैं जो हम लोग शायद आम जिंदगी में अपने बिल्कुल ना पहने, बट देखने में बहुत अच्छा लगता है. आई नो राइट. अच्छा, आप में से किन लोगों को इस चीज का प्रोनंसिएशन पता है, प्लीज टेल मी. अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट्स में बताएं कि इस चीज का प्रोनंसिएशन क्या है. बट जोक्स असाइड, दिस प्लेस इज एक्चुअली कॉल्ड द रोडियो वॉक ऑफ स्टाइल. So people who are into fashion, they come here quite frequently because they want to like stay updated with all the stylish things. They have clothes for dogs. और हम लोग यहाँ पे रात को कितने बजे हैं यहाँ पे? हम लोग 11 तो बज ही गए ना? तो हम लोग यहाँ पे 11 बजे ऐसे तफरी मार रहे हैं बिल्कुल रोडियो ड्राइव में. अच्छा तू लड़का है, वाह वाह वाह. मैं लड़की हूँ. We're doing like a recreation here. कर लिया ना? हाँ, very good. Constipated का बस पेट भी आते हैं. On a serious note, मुझे एक बात बताओ, अगर ये shops अभी खुली होती, तो यहाँ पे average price चीजों का क्या होता? 500 for small everything. For small thing. Yeah. और अगर मुझे dress खरीदनी होती, तो उसका average 1500 minimum. तो ये serious goggles worth 3000 का? These goggles. Would be like 2500 something. And look at the frilly collars over here. Oh my god. I'm like crushing on this dress and this pantsuit already. And the Tony Burch ka jo emblem is. So classy. Maybe it's just because it's a brand and it's well known that it looks classy. It has to be something, no? Special. Yeah. Yeah, do not. This is a parking meter. Natanya's favorite. Coins in it, and you have to charge
you get charged for parking. इसमें मैंने $6 स्पेंड किए थे मॉन्टरे में, बट एवर सिंस आई हैव बीन अवॉइडिंग इट. बट इट्स अ गुड प्लेस फॉर यू टू जस्ट लीन अगेंस्ट एंड स्लीप. Chicken teriyaki. I'm learning to use chopsticks. And miso soup. How are you doing? It's very fun watching a struggling chopstick user. Namrata lekin kafi acha kar rahi hai. Dekho, she's picking up stuff. Char char daane utha rahi hu main. So I've learned to hack. Ye do hai usko sirf ghuma do. I mean ghusa do. Aur fir ghumao. Aise dono haath se kya farak padta hai. Main thoda aur ghumao. And then itna sab aayega. A good hack. जो मुँह में घुस रहा है वो खाओ. इसका share मत करो. That's all for this night. काफी अच्छी रात थी. It's already 1 a.m. right now. बहुत ज़्यादा नींद आ रही है. And my lenses are already off. Looking forward to going back to my Airbnb, our Airbnb, and sleeping over there and just sleeping on the street. बहुत ही ज़्यादा. Bye. Bye.